अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू रेसिपी, एक न्यू तरीके से, और ये है चिकन सैंडविच केक। तो चिकन सैंडविच केक बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो मैंने लिए हैं यहाँ पर। स्ट्रिप्स में मैंने चिकन को कट किया है और हाफ़ के जी ये चिकन है। इसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है, कुटा हुआ गर्म मसाला ऐड किया है, और एक से दो चम्मच अगर कुकिंग क्रीम है आपके पास तो आप वो इसको ऐड करके मैरिनेट कर सकते हैं, नहीं तो दही के साथ आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं और इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 से 10 मिनट के लिए भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, हमें चाहिए मायोनीज़, हमें चाहिए बंद गोभी, और उसके अलावा बाकी जो कुछ हमें चाहिए वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो मैरिनेटेड चिकन है इसको हम लोग पकाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। जी, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, तेल डाल के, और मैं ये चिकन को डालूंगी इसमें। हम यहाँ पे चिकन को पका लेंगे तेज आंच पे। अच्छे से हम चिकन को पका लें। आप चाहे तो इसको फुल स्मोक भी दे सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छे से आएगा। तो जब तक हमारी चिकन रेडी होती है, आप तब तक ये देखिए कि इसके अलावा कुछ रेसिपीज़ और भी होती हैं जो किसी और तरीके से बनाई जा सकती हैं, जैसे कि स्पंज बनाकर, ब्रेड स्पंज बनाकर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप लोगों को वो भी सिखाऊंगी, लेकिन ये ज़रा इजी रेसिपी है तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को मैं ये बनाना सिखा दूं। और ये टी टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोग इसे डिनर टाइम में भी, लंच टाइम में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा आइटम है ये, बहुत पसंद किया जाता है। आप इसको लाइट स्पाइसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हैवी स्पाइसेस, तेज स्पाइसेस के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका टेस्ट डिवेलप होके आता है, आप सबको बहुत पसंद आएगा, आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक हम इसको फ्राई करते हैं। जी, तो जब तक हमारी वहाँ पर चिकन रेडी होती है तब तक हम लोग ब्रेड के जो है ये किनारे कट कर लेते हैं बिल्कुल साइड से, आराम से, ताकि ये बाद में जो है सख्त से फील ना हो। हम लोग इनके बिल्कुल साइडों से इसके किनारे कट कर लेंगे सारी ब्रेड के, और ये किनारों को भी आप ज़ाया ना करें। आप इनको ग्राइंड करके और दोबारा से इनको फ्राई कर लें हल्का सा, बग़ैर ऑयल डाले फ्राई पैन में, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। आपके ब्रेड क्रम्स के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं, मैं तो हमेशा यही यूज़ करती हूँ, और काफ़ी अच्छे ये होते हैं। फिर फ्राई करने के बाद आप इनको ठंडा कर लें और उसके बाद फिर से इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लें, बिल्कुल फाइन से पाउडर की तरह बन जाता है और बहुत क्रिस्पी इसका लुक आता है। कटलेट्स वगैरह से जब हम लोग बनाते हैं बहुत यमी लुक आता है इसका, बहुत ज़बरदस्त। तो कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसको रीयूज़ करने के लिए जो है इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है कोई भी। तो यूँ हम सारी इसको कट कर लेंगे ब्रेड स्लाइस को, और तब तक हमारी चिकन भी रेडी हो जाएगी। जी, तो चिकन हमारी यहाँ पर गल चुकी है तकरीबन, बस अब इसका पानी ड्राई होगा, और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको कोल्ड स्मोक दूंगी ताकि थोड़ा सा टिक्का फ्लेवर का लुक आएगा, टेस्ट आएगा, सॉरी लुक नहीं आएगा, टेस्ट आएगा। तो इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का का फ्लेवर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि आज इसको जो है टिक्का फ्लेवर दें ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये तो व्यूअर्स, चिकन ये देखें हमारी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर हम इसको स्मोक देंगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हम कूल डाउन करेंगे, फिर इसकी हम कटिंग करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको आगे असेंबल कैसे करना है। अब बाकी रह गई हमारी असेंबलिंग, तो कोल्ड स्मोक के बाद मिलते हैं। जी, तो चिकन हमारी पक के ठंडी हो गई, अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं सारे। यूँ मैं इसके सारे छोटे छोटे पीस कर लूँगी, ओके, और फिर इसके बाद जो है हम इसको असेंबल करते हैं। जी, तो चिकन मैंने कट कर ली है, मैंने यहाँ पर ये खीरों को भी काट लिया है, बंद गोभी भी काट ली थी मैंने पहले ही, और मैंने ये ब्रेड स्लाइसेस भी यहाँ पर मैंने सेट कर लिए हैं, और यहाँ पर मैंने मायोनीज़ में हरी चटनी ऐड की थी। हरी चटनी में था धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और फिर इसको मैंने मायोनीज़ में ऐड कर लिया।
तो अब हम इसको हम असेंबल करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको करना होगा। पहले मैं इसके ऊपर सारी ये मायोनीज़ लगाऊंगी और मायोनीज़ के ऊपर फिर हम लोग बाकी क्या कुछ करते हैं ये फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी तो ये मैंने सारा कुछ कर दिया, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे साथ में। ओके, मैंने मायोनीज़ में मिक्स नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और यहाँ पर सही से असेंबल नहीं हो पाती, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से ही मैं इसको कर रही हूँ। आप यूँ समझें कि हम केक के ऊपर इस टाइम पाइनएप्पल चॉकलेट चिप चॉकलेट स्प्रिंकल कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ये भी एक केक है और लेकिन वो मीठा होता है, ये नमकीन केक है। जी तो इसके ऊपर मैंने दोबारा से और ब्रेड रख ली है, अब मैं यहाँ पर सारी चॉकलेट डालूँगी और सॉरी केचप डालूँगी इसके ऊपर सारी। हम इस लेयर को केचप से कोट करके इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर रखेंगे। जी और अब हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे सारी, अच्छे से हम इसको सारी स्प्रिंकल करके डाल देंगे फैला के, ताकि ये जो है सारा कवर हो जाए। अब इसके बाद जो यमी टेस्ट बनने वाला है, अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि ये चिकन केक जो है जस्ट लाइक क्लब सैंडविच, तो जी नहीं, ये क्लब सैंडविच की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लब सैंडविच में जो होता है वो है बिल्कुल उसमें स्पाइसेस नहीं होते, उसमें स्पाइसेस नहीं होते, उसमें इतनी ज़्यादा चिकन और ये ऐड नहीं होती, उसमें एक लेयर जो है वो बिल्कुल अंडे की यूज़ होती है और बहुत मतलब चेंज है इसे, टोटली चेंज है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्दी उसकी रेसिपी भी सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो हम इसी पर बात करते हैं जो कि बहुत टेस्टी बनने वाला है। आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा आपको इंतहाई मुफीदाना किस्म का मशवरा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो चिकन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर दोबारा ब्रेड लगा दी, ब्रेड लगा के मैं उसके ऊपर दोबारा से मायोनीज़ लगा रही हूँ। मायोनीज़ लगा के सारा अब हम इसको कवर करेंगे मायोनीज़ से और फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। जी तो ऊपर मैंने तकरीबन इसको मैंने कर लिया है कोट, अब मैं नीचे सारी इसकी जो है मायोनीज़ लगा रही हूँ। मायोनीज़ लगा के तो हम इसके ऊपर सारी जो है बाकी की डेकोरेशन करते हैं। अब हम इसको साइड पे सारी बंद गोभी लगाते जाएंगे यूँ थोड़ी थोड़ी करके, चाहे तो इसके साथ गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल गाजर का कोई ऐसा ख़ास मौसम नहीं है, तो अच्छे कलर वाली गाजर है भी नहीं, तो इसीलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रही, लेकिन आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं साथ में इसके गाजर भी ऐसी कट की हुई। तो भी मैंने सारी लगा ली, अब मैं यहाँ पर इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। डेकोरेशन के लिए मैंने पतले पतले साइज़ में खीरा काट लिया था, इसको मैं यहाँ पर टूथपिक के साथ यूँ अटैच कर लूँगी। टूथपिक के साथ अटैच करने का मतलब ये है कि ये गिरेंगे नहीं, निकलेगा नहीं अपनी जगह से, यूँ करके मैं इसको सारा यहाँ पर ये अटैच कर लेती हूँ। ये कर दिया मैंने और उसके बाद जो है लास्ट वाला और मैं इसको लगाऊंगी और फिर उसके बाद इसकी बाकी टिक करते हैं। जी अब हम इस पर खीरे लगाते, सॉरी खीरे लगा लिए मैंने, अब हम इस पर साइड पे सारे जो है टमाटर लगाएंगे, इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, फूल 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 हम फूल बना लेंगे इसके सारे और इसको सारा यूँ डेकोरेट करते जाएंगे। जी जनाब तो हमारा केक हो गया है बिल्कुल फाइनल रेडी। ओके तो आप देख सकते हैं घर में पड़ी हुई ब्रेड से, चिकन से, मायोनीज से कितना ज़बरदस्त हमने ये सैंडविच केक रेडी किया है। तो आपको आई होप बहुत पसंद आएगा, आप मुझे फीडबैक लाजमी दिया कीजिए, आप ट्राई कीजिए। और इसके साथ ही अब ये जो बाकी हमारी चिकन बची है, ये देखें ये हमारी अच्छी खासी चिकन बच गई है और इसके इसको अब मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी और इसको मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए बनाऊँगी बन के साथ कैसे हम सैंडविच केक बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को सिखाऊंगी, आप तब तक इसको बनाकर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखा कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।